ये देखो सब टूट गया, ये बरसात के मारे इतनी तेज आ चुके हैं। मन्नत का इंटरव्यू लेने काफी ज्यादा हमारी ऑडियंस परेशान हो गई थी क्योंकि मन्नत की तबीयत खराब हो गई थी। ये उम्मीद नहीं थी आज भाई देख सकते हो हमारी, ये हमने फोटो खींची थी कितनी अच्छी आई है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब, उम्मीद है सबके साथ बहुत अच्छे होंगे। तो क्या चल रहा है आजकल, सुबह सुबह हो चुकी है, हम सेब खा रहे हैं। देख सकते हो हमारा घर पूरा टूट चुका है, नीचे वाला, नीचे के जो हमारे इधर की ट्रियाँ थी पुरानी वाली, जो पुरानी ट्रियाँ होती हैं जो आपके, अगर आपके यहाँ होंगी तो आपको पता होगा, इतनी चौड़ी चौड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो वो बरसात के मारे पानी इतना बरसा तो वो सारी ट्रियाँ हमारी टूट चुकी हैं। ये देखो ये पूरा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो पूरी अटरिया टूट गई यहाँ पर। पहले हम लोग जब हमारे इधर भैंसियाँ बनती रहती थी तो यहाँ पर भूसा वूसा भरते थे इस वाले फ्लोर पे, दो फ्लोर थे, नीचे भैंसियाँ बनती थी, ऊपर वाले में पूरी वो भूसा वूसा रखा रहता था। देख सकते हो आप, ये देखो पूरी, देखो दीवारें, देखो कितनी चौड़ी चौड़ी, कहीं नहीं देखी होंगे आपने दीवारें, इतनी मोटी मोटी दीवारें, ये सब टूट गए। ये देखो सोच रहे हैं पूरा तुड़वा के एकदम बराबर मैदान बनवाएंगे, फिर यहाँ कुछ करवाना है तो वो आपको आगे खुद पता चल जाएगा, क्या फ़ायदा बताने से। यहाँ से गेट रहता था, अभी चल के नीचे से दिखा रहे हैं। और हमारे तो इतना दो नीमें थी, एक यहाँ नीम थी और एक यहाँ पर, एक है और एक चली गई, मतलब कट गई, कुछ दीवारें पूरी भसक गई। यहाँ पर यार एक मेंढक रहता है यार, यहाँ पर एक इतना तेज़ बोलता है, इतना तेज़ कान के पर्दे एकदम दर्द करने लगते हैं। यहीं बैठता हूँ मैं शाम को, जब लाइट चली जाती है, अब लाइट नहीं रहती, जब नेट यहीं चलता है अच्छा बहुत, यहीं बैठता हूँ, इतनी तेज टर 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 मेरे कान की हालत ख़राब कर देता है। ये देखो पूरा टूट चुका है, पूरा टूट चुका है, ट्रैक्टर आए हैं, ये सब कचरा चरा रोज रोज थोड़ा थोड़ा गिरता है, रोज थोड़ा थोड़ा गिरता है। ये देखो एक और है जो मैं डाल दूँगा, जिसमें सब सब कोई लोग तोड़ रहे हैं, मतलब हमारे इधर के लक्ष्मण भैया उनकी फैमिली ये काम करते हैं, यहाँ पर किराया जा रहे थे, ये वही वाली रास्ता है, यहाँ से अपन ऊपर से देख रहे थे वहाँ वाले गेट से, तो वहाँ पर एक गेट बनना है ना, तो वहाँ वाले गेट से देख रहे थे, ये सब टूटा पड़ा पूरा। शादी से पहले शादी का टाइम था, हमारे घर की डेंटिंग पेंटिंग चल रही थी, तो यहाँ पर छपरा था, एक छपरा, तो छपरा झुक गया था वो, उसके वजह से मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग शादी के 15-20 दिन बचे थे, उस टाइम ये टूटा, वो घुस गया, वो गड्ढा हो गया वहाँ पर, फिर वहाँ पानी बरसा, इतना बरसा ऊपर से पानी वहाँ भर गया, फिर वो जम गया पानी, फिर मिट्टी है पत्ता थोड़ी ना, तो खूब पानी वहाँ गिरा, खूब गिरा, उसके बाद ये पानी सब उसने सोख लिया, तो ये गिर गई दीवारें, पुरानी दीवारें, पुरानी अपने इधर की बनती हैं 4 इंची 9 इंची ज़्यादा ज़्यादा, बाकी 4 इंची से हम अपना घर तनवा देते हैं। चलो चले मन्नत के पास, आपको देखा है मन्नत की तबीयत हमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, खूब अच्छी हो चुकी है, बहुत सारे मन्नत के पास कॉल और मैसेज सबको जाए कि मन्नत कैसी है कैसी है, बनेगा नहीं मन्नत अब ठीक है, मन्नत के आप खुद ही सुन लेना। चलो ये देख सकते हो मन्नत का घर, तब मस्त VIP घर है, ये देखो मन्नत का रूम कितना प्यारा है, ये फैन है लगा है, अभी मन्नत से कुछ बातें करेंगे, मन्नत ठीक आ चुके हैं मन्नत का इंटरव्यू लेने, काफ़ी ज़्यादा हमारी ऑडियंस परेशान हो गई थी क्योंकि मन्नत की तबीयत खराब हो गई थी, सबको इन्हें दुआ करी और हमारी मन्नत अच्छी हो गई। अब क्या कह कोई मन्नत, क्यों गाय से बात नहीं करोगी आप, इतना नाराज क्यों था, एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो, अच्छा तबीयत नहीं खराब थी, अरे मन्नत ठीक है, वीगन निकल के आप ब्लॉग बना सकते हैं, आप तो बना सकते हो, तो अब आप बता तो दो गाइस को कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, बता दो वीगो ने कहाँ लगा था, वीगो बताओ, इतना तो बता दो, रात को चले ठीक है, हाँ तो आप इतना तो बता दो, आपको बताना है कि गाइस मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, गाइस हमारी तबीयत ठीक हो चुकी है, तो कुछ बोलो अपने समय बताओ कि अब मेरे हाथ का वीडियो निकल चुका है, अब मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, थैंक यू आपने मेरे लिए इतनी सारी दुआ करी, बोलो बोलो।
पीछे वक्त हम ले चलेंगे कुछ तो बेटा पचास रुपए का ओवर रेटिंग चिकन रोल के लाएंगे वो और क्या खाता है लावा केक भी क्या खाना बताओ आप खुद बताओ क्या क्या खाना कोल्ड कॉफी और पिज्जा और बर्गर और फ्रेंच फ्राइज भी और बस इतना सा और कुछ नहीं लावा केक नहीं खाओगे कोल्ड कॉफी लावा केक और बस हो गया और कुछ रोल हैं चलना है का चला चले आपको चले मुझे काली चीज बनाना है मामू मुझे सैंडल पहना दोगे कहाँ सैंडल लेके आओ इब्बू चलो हाँ चलो 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 चल जल्दी चलो तू बहुत तेज हो रही है फिर से भाग रहे रोड पे आराम से बे आराम से हाँ आराम चलो आराम से लपी चच्चा की सॉप ये मैं इधर आ जाओ ना भाग जाओगे ये हमारे नफी चच्चा की सॉप और हमारे अकेले बैठे जो यहाँ के ओनर है हाँ क्या लोगे बताओ हैं हवस बबल्स ये मन्नत गिफ्ट ले ले गिफ्ट लिया आपने और कुछ कमरा में हमारे घर पे शायद बबल्स मतलब यार कुछ खाने का लो फालतू चीज ले रहे हो नफी चच्चा बहुत दिमागी है क्या अकेले भाई देखो जानबूझ के ऐसी चीज सामने रखते हैं बच्चों के कि बच्चे फिर चिल्लाए दे दो एक कोई मतलब किसी बहुत चला गए देखो जानवर की चीज रखे था हाँ देखो 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 और अपने बच्चों को मना कर रहे थे ये देखना एक दे दो इनको भी लूट ले उठालो चले चल चले के बाद लोग आ गए आ जाओ चढ़ना पाओगे हम चढ़ाए आ जाओ ये देखो मन्ना पूरा घर टूट गया है ये देखो बच्चे हमारे आ चुके हैं चूना हमारी जिप का लगा चुके हैं जो उनका खा जो उनकी पुरानी आदत है मतलब हक कह सकते हैं इनका जो अक्सर लगाते हैं जब भी इनके पास जाओ तो अच्छा खा चूना लगाते हैं चलो टिक्तर खड़ा है ये पकड़े क्या हुआ पैंट आपका सरक रहा है चलो अब जाएंगे खाना ना खाएंगे उसके बाद जाना शॉप जाएंगे उसके बाद रात में कुछ काम है और जिम में भी जाने शुरू कर दिया तो जिम में भी जाएंगे और अगर आप बताओ तो उनके शेड्यूल भी डालें कैसे हो आप सब उम्मीद है सबके सब अच्छे होंगे आज स्टेप ये रहता है कि हम लोग को रोज़ का होता है डेली चाय पीने जाना तो चाय पीने वाले जो हमारे बंधु हैं वो सब स्टेशन पे तो वहीं हम जा रहे हैं फ़ोन आ गया कि आ जाओ हम भी वहीं जा रहे हैं वहीं पियेंगे और कहाँ का व्यू देख सकते हो सब पे भाई कोल्ड ड्रिंक लिया है बहुत दिमागी है देख रहे दिमाग यही तो दिमाग चलता है इनका लगाओ बड़े आराम हो बेटा हाँ बड़े दिमागी हमें तो पता है तो थोड़ा दिमागी कोई ना होगा मैच बहुत ज्यादा इंटेंस लोग परेशान बोतल दे दे बोतल से व्यवहार नहीं मिल जाएगा यार पर नहीं है भाई तो हर कहीं से फेल होता है यार बेइज्जती करा देते हो यार ब्लॉक में बेइज्जती करा रहा है यार कोल ये जब भाई पोस्ट देंगे बिल्कुल वीआईपी वाला बस बस खिस गई बस वैसे रहना एक नंबर बहुत कर रही आ रही देख तो पोस्ट देख जमीर भाई देंगे जमीर भाई काम करो काम चल रहा है जमीर भाई देंगे और क्या ये गलत बात की नहीं नहीं देखो भाई जमीर भाई का काम चल रहा है जमीर भाई दिल्ली से इंटरव्यू देके आए
90,000 की सैलरी का वही देखेंगे। एक तो वही सही वाला है ले। हाँ तुम आओ ब्लॉग डाल दो और वायरल हो जाएगा। नहीं सही बात, पूरे गांव में फेमस है। टेंशन में आ जाएंगे जाने कितने नबी इनकी सैलरी सुन के। स्टोरी लगाते हो हमारी पोस्ट पे हम फोन देख सकते हो हमारी। ये हमने फोटो खींची थी, कितनी अच्छी आई है। चलो चलें घर, लाइट चली गई लग रहा है हमारे इधर की। हमारी गड्डी खड़ी है, सामान हमें ले चुका है, टाइम हमने तोड़ चुका है हमारा डेली वाला रूटीन। तो फिर आज के व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे देंगे, फिर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में या फिर जो जब भी बनाएंगे तब भी मिलेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रख के, वीडियो पसंद आए तो पता क्या करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉलो। बाय।